मोदी को कितना नचाओगे? वो एसपी जी वालों को कहिए वो मोदी को कब्जा कर ले। लेकिन बढ़िया बना के लाए हो आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बोले भारत माता की, भारत माता की। ये एसपी जी वालों को दे दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आप सभी को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बहुत बहुत बधाई देता हूं। पांच सौ वर्षों के बाद हमारा इंतजार समाप्त हुआ। 500 साल तक ये हमारे पूर्वज संघर्ष करते रहे, बलिदान देते रहे और कभी भी निराश नहीं हुए। हमारे पूर्वजों को पता था कभी न कोई कोई बेटा पैदा होगा, कभी तो कोई बेटा पैदा होगा जो 500 साल के इंतजार को परिपूर्ण करके भगवान राम मंदिर। और साथियों, इंतजार सिर्फ राम जी का ही थोड़ा था, सीता मैया का भी तो था। और हमारे मिथिला के भी तो था। हम अपने जीवन काल में ये शुभ समय देख रहे हैं। ये विश्वकर्मा भक्त आप नीचे रखो, पीछे लोग देख नहीं पाते। मैंने आपको देख लिया, सुखी रहो। ये शुभ समय ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। साथियों, जब अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब मैंने कहा था कि अब भारत आने वाले 1000 साल का भविष्य लिखेगा। कई बार इतिहास की एकाध घटना भी कई कई शताब्दियों का भाग्य तय कर देती है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है। देखिए, जगह छोटी पड़ गई है, मैं जानता हूं आपको तकलीफ हो रही है। हो सकता है आप मुझे देख ना पाते हो, लेकिन उसके लिए हमें क्षमा करें। आराम से जहां है वहां खड़े रह करके मुझे सुनिए, और अगर आवाज कम करेंगे तो मुझे बोलने की सुविधा बढ़ेगी। तो आपके आशीर्वाद है,
मैं बोलना शुरू करूं, आप शांति रखोगे? आप इतने अच्छे लोग हैं। आज से हजार साल पहले जब पश्चिम से भारत पर हमले होने शुरू हुए थे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि भारत 1000 साल की गुलामी में गिर जाएगा। जो बिहार देश को दिशा दिखाता था, वो ऐसे संकटों से घिरा कि सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन साथियों, भारत के भाग्य ने आज एक बार फिर करवट ली है। बिहार के भाग्य ने एक बार फिर करवट ली है। 21वीं सदी में ये कालखंड ऐसा आया है जब भारत फिर से अपनी सारी बेड़ियां तोड़कर उठ खड़ा हुआ है। आज भारत की दुनिया में जो साख है ना, वो नई ऊंचाई पर है। आज भारत चांद पर पहुंच गया है, जहां कोई नहीं पहुंचा।